वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू इंडियन एरा। माई सेल्फ बुरहानुद्दीन MK एंड आज हम लेके आ गए हैं अपना लेक्चर नंबर 2 थर्मोडायनामिक्स का। ओके, तो कैसे हैं आप सब? श्योर गाइस, जैसे मैं बताया था कल ही मैंने कि हम लोग डिटेल में, एकदम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छे से। तो जैसे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीजें आती है, क्या क्या? हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो 3 अलग अलग टर्म है, ये अलग अलग टर्म को हम लोग पहले डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे। ठीक है, कोई घाई नहीं करेंगे, कोई रश नहीं करेंगे हम लोग। श्योर, तो लास्ट लेक्चर में गाइस हमने थर्मल इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का और थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग लास्ट लेक्चर हमने इंटरनल एनर्जी स्टार्ट किया था। ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वाइब्रेशन एनर्जी। फिर हमने एक एक करके कैसे सारे टर्म्स एलिमिनेट होते हुए टोटल एनर्जी ही बनता है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी बनता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। करेक्ट, यहां पर हम लोग पहुंचे थे। करेक्ट, इतना पार्ट किया था गाइस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। कैसे है सब लोग? ठीक, आई होप सो सब ने कल का लेक्चर अच्छे से देखा था और आज सब लोग रिवाइज करके आए। रिवाइज करके आए कि नहीं बच्चे लोग? वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हूं मैं सबा, आप कैसे हो? राजवर्धन आ गया, अरे क्या बात है। चेतन कल था नहीं क्या लेक्चर में? आज है। सुमित जयसवाल, प्राजू आ गई है, ठीक है। तेजस्विनी वैष्णवी नहीं है। यशराज है कि नहीं लेक्चर में? पूर्वा है लेक्चर में। विशाल चौहान, विशाल राजपूत है कि नहीं? खुशी ठाकुर है, क्या बात है। रोनाल्डो आ गया अपना, क्या बात है। रियाज अली, रिवाइज बच्चों ने रिवाइज कर लिया है। तो चलो शुरू करेगा इस आज के लेक्चर में, और ज्यादा मजा आने वाला है। थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो रिवीजन है KTG का, तो जो बच्चे KTG नहीं थे या KTG जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए नया पार्ट है, और जो मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ है KTG से उनके लिए बहुत अच्छा रिवीजन है। ठीक है गाइस, तो बिना किसी, ये क्या गया? ठीक है, ओके, तो हम लोग है गाइस चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स में। करेक्ट मेरा बेटा, और आज हम देखने वाले हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये क्यों देखना है गाइस? ये KTG में सर हो चुका है, लेकिन ये यहां भी बहुत काम आता है गाइस, बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे मैंने आपको बताया KTG और थर्मोडायनामिक्स बहुत ज्यादा दोनों रिलेटेड चैप्टर है एक दूसरे से, तो यहां भी बहुत काम आएगा, बहुत मजा आने वाला है, तो ध्यान देना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म है। क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म किसमें? इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में जितने इंडिविजुअल टर्म हमें दिखते हैं ना, वो होते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वो क्या होते हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अरे बेटा जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा x²-x-y = 0। ठीक है, इसके अंदर कितने इंडिविजुअल टर्म है? 1, 2, 3। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये 1, 2, 3। तो ऐसे अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू समथिंग, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म जो है ना, वो हमारा बन जाता है क्या? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या बन जाता है?
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले फॉर फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस का मतलब क्या बेटा? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। हीलियम, नियॉन, नियॉन भी लिख देते हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे क्या है? मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस मतलब एक ही एटम होता है, एक ही एटम होता है ना, ये देखो ऐसा एक ही नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा एटम होता है, ठीक है। अब बेटा ये जो एटम है, ये जो एटम है, ये एटम मोशन करेगा। मोशन कैसे मोशन करेगा? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, हाँ कि नहीं? अरे ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्स में घूम सकता है, वाई में घूम सकता है, जेड में घूम सकता है, अरे हाँ कि नहीं? मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, करेक्ट, श्योर। तो ये हो गया उसका एक्स एक्सिस, ये हो गया उसका वाई एक्सिस, ये हो गया उसका जेड एक्सिस। तो इसके पास अरे तीन वेलोसिटी है ना, एक्स में जा रहा है यू एक्स, वाई में जा रहा है यू वाई, जेड में जा रहा है यू जेड, तीन एनर्जी है उसके पास, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। एक एनर्जी एक वेलोसिटी अलोंग एक्स, तो एक्स की एनर्जी, एक वेलोसिटी अलोंग वाई, तो वाई की एनर्जी, एक वेलोसिटी अलोंग जेड, तो जेड की एनर्जी, ठीक है। अच्छा अब ये जो मॉलिक्यूल है ये मोशन करते समय अपनी एक्सिस पे रोटेट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, स्पिन भी हो रहा है। अरे ये वाई एक्सिस पे ये स्पिन भी तो हो रहा है, जिन 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 घूम रहा है। ओके, अब जब मॉलिक्यूल घूमेगा, करेक्ट, तो वो रोटेट हो रहा है, तो रोटेशनल के ही लेना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर, बराबर ना। अब आर क्या होता है मेरा बच्चा? सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके डिस्टेंस। तो बेटा आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा छोटा? बेटा एटम कितना छोटा होता है? एटम बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, तो आर छोटा होगा। अच्छा अगर आर छोटा है तो आर स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा। बेटा 0.1 छोटा है, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.01, वो और ज्यादा छोटा हो गया ना। तो अगर वो मॉलिक्यूल घूम रहा है तो आर तो बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस टर्म को क्या कर देते हैं बेटा? निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, बराबर। तो कितने टर्म है काउंट कर? एक दो तीन। कितने टर्म है? एक दो तीन। व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है किसके लिए? मोनो एटॉमिक के मॉलिक्यूल के लिए, करेक्ट के नहीं? तो एक दो तीन, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक इज 3। मेरे प्यारे बच्चों, समझा कि नहीं? सबको समझा कि नहीं बच्चों? एकदम पक्का? क्या बात है, क्या बात है, श्योर। चलो एक नंबर, एक नंबर काम हो गया अपना लाइफ में। अब बढ़ते आगे, फॉर डाया एटॉमिक गैसेस। डाया एटॉमिक गैसेस मंजे H2O2N2 एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है, ओके। अच्छा अब मेरी बात सुनो, दूसरा, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना, यहां पर मजे वाली बात है बेटा, इसके पास दो है, अरे दो मॉलिक्यूल है, फालतू बात नहीं करने का, करेक्ट, दो मॉलिक्यूल है इसके पास, ठीक है। तो अब ये वंस अगेन देखो, एक्स में जाएगा, ये वाई में जाएगा, और ये जेड में जाएगा, ऐसे जुन 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 जुन, बराबर ना, एक्स में, वाई में, जेड में, क्लियर, एकदम पक्का, ऐसे घूमेगा, तो तीन तो इसके पास है ही, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी में आ गया हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, बराबर। अच्छा अब जरा चेक कर, देख ये पेन की तरह, पेन की तरह डंबल देखा, डंबल जिम गए, जिम जिम, हेमंत भैया जाते हैं हमारे जिम, सिक्स पैक्स, एप्स, सब कुछ हेमंत भैया के पास, ठीक है, देखा है कि नहीं? ठीक है, तो जो हेमंत भैया का डंबल है
ठीक है, वो डंबल का एक और दो, ठीक है, ये एटम है और बीच में वो बॉन्ड है, बॉन्ड केमिस्ट्री में, जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड बाबा, कोवेलेंट बॉन्ड, जो भी बॉन्ड बनता है केमिस्ट्री में, ठीक है, वो बॉन्ड है, ठीक है। तो वो डंबल जो है अपना, वो डंबल ऐसे घुमा सकते हैं, मन भैया ऐसे घुमा सकते हैं, करेक्ट, श्योर। तो वो रोटेट हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, समझ पा रहे हो, y एक्सिस के ऊपर वो रोटेट हो रहा है ऐसे, जन 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 जन, देखो यार, देखो देखो ऐसे रोटेट हो रहा है ना। अच्छा, जब वो ऐसे रोटेट हो रहा है मेरा बच्चा, तो r काफी बड़ा है, r बड़ा है ना, पहले r बहुत छोटा था, लेकिन जब वो ऐसे रोटेट हो रहा है तो r बड़ा है, तो हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हाफ i ओमेगा वाई स्क्वायर होगा, करेक्ट। अच्छा, दूसरा दूसरा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है एक तो, और एक तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये जेड में था, ये y में है, ये z में था, ये y में, बराबर ना, ये z एक्सिस पे घूम रहा था, ये वाले एक्सिस पे ऐसे, और ये y में घूम रहा है, जग 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 जग। प्लस हाफ i ओमेगा z स्क्वायर। नहीं समझा सर, नहीं समझा, कोई बात नहीं, समझ मेरी बात को, ठीक है। ये डायटोमिक का मॉलिक्यूल है, ये पहले x में मोशन कर रहा है लीनियर लाइन में, y में उछल कूद कर रहा है, z में जा रहा है, बराबर। तो इसके पास तीन एनर्जीज है, x के लिए, y के लिए, z के लिए, लीनियर, ठीक है। अब ये y पे रोटेट भी तो हो सकता है, जो y एक्सिस है उस पर रोटेट हो रहा है, r काफी बड़ा है, तो लेना पड़ेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एक ये हुआ, दूसरा z में भी रोटेट हो रहा है वो, चेक कर ले, z में भी रोटेट हो रहा है वो, करेक्ट, तो उसका भी r बड़ा है। अच्छा, दूसरा x ये है, x में ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे, अच्छा बेटा, अब जब वो ऐसे रोटेट हो रहा है, जरा चेक करो ऐसे, तो r बहुत ज्यादा छोटा है। अरे बेटा, जब वो ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे अगेन, तो r बहुत ज्यादा छोटा है ना, r बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब once again r square neglect करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला half i omega x square, ये फिर से क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, neglected, ठीक है। तो अब जरा चेक कर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म कितने बचे, एक दो तीन चार पांच, सो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री, सॉरी डाया एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है मेरा बेटा, 5। डाया एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है मेरा बच्चा, 5। सबको क्लियर है पार्ट, सबको क्लियर है, एकदम पक्का है, चलो क्या बात है, आ जाए आगे। और ट्राई एटॉमिक गैसेस, ठीक है, क्या है, NO3, O3, ओजोन एक्सेट्रा, अरे हाँ कि नहीं, श्योर, या देखो SO3 भी है, SO3, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, SO3 ले लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लो, SO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ले लो, करेक्ट, हाँ कि नहीं, यहां पर S ले लेते, N नहीं लेते, बच्चा बोलेगा सर लास्ट टाइम S पढ़ाया था, सल्फर ट्राइऑक्साइड O3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब सेम यहां देख, ये X, ये Y, ये Z, बराबर, श्योर, ये X, ये Y, ये Z, करेक्ट, लीनियर मोशन X में, Y में, Z में, सो काइनेटिक एनर्जी में क्या मिलेगा, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, बराबर मेरा बेटा, ठीक है। अब जरा चेक कर, ये y में घूम सकता है, r बड़ा है, z में घूम सकता है, r बड़ा है, अच्छा x में भी घूम सकता है, अभी x अच्छा खासा बड़ा हो गया ना, ये इतना डिस्टेंस हो गया ना, r x भी बड़ा है, तो ये हो जाएगा हाफ i ओमेगा x स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर, क्लियर गाइस। तो कितने इंडिविजुअल टर्म है जरा चेक कर मेरा बेटा, सो मोनो ट्राया एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, 6, कितना है, 6। अच्छा, अब एक नोट लिखा रहा हूं, जरा देख, जरा अच्छे से देख, एट हाई टेम्परेचर पे हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी को कंसिडर करते हैं, तो एट हाई टेम्परेचर +2, हाई टेम्परेचर पे सब में +2 +2 +2 ऐड कर दे,
हाई टेम्परेचर में सब में प्लस टू ऐड कर दें। ठीक है बेटा, एकदम पक्का श्योर, एकदम पक्का, सबको क्लियर है गाइस? मैं पानी पी लूं खाली। बड़े आगे चलो, अब आ जाते हैं गाइस लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। सर ये केटीजी में पढ़ चुके, मुझे पता है, मैंने ही पढ़ाया है बच्चों, लेकिन ये फिर से काम आने वाला है, तो कोई ऐसे बोलना नहीं चाहिए सर ये तो बताया ही नहीं आपने। मुझे पता है आप बोलोगे नहीं, लेकिन देन टू मेरा काम है बेटा, एक एक चीज बताना। बैच का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट बैच। चैनल कौन सा है? एनआई। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है तो चलो, लॉज ऑफ इक्वी पार्टीशन। लॉज नहीं, हाँ लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन क्या है बेटा? द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ Each molecule with each degree of freedom, the kinetic energy associated with each molecule with each degree of freedom is equal to half kBT. The kinetic energy associated with each molecule, हर molecule का हर degree of freedom के साथ कितना है बेटा? Half kBT। जहां पर kB क्या है? kB, kB is Boltzmann's constant, ठीक है, और capital T है absolute temperature। Clear मेरा बेटा? Boltzmann's constant and absolute temperature। Sure, ओके, अच्छा आप ध्यान देते जरा यहां पर, ठीक है। फॉर फॉर मोनोएटॉमिक गैस ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले ना, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए मेरा बेटा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए मेरा बच्चा, यहां ध्यान दो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी यू, काइनेटिक एनर्जी में तो उसका इंटरनल एनर्जी ना, इंटरनल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3/2 केबीटी। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला ना, मोनोएटॉमिक के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3/2 केबीटी। बराबर, एकदम पक्का? अरे हाँ कि नहीं बाबालोक? Children, U molecule 3/2 kBT। बेटा ये पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में नहीं दिया है, समझो मेरी बात को। ये पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में दे दिया होगा। ये पार्ट अगर आपको देखना है तो शायद ये आपको केटीजी में कहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो इसका पेज नंबर मैं आपको कैसे बताऊं? बच्चों सबको क्लियर है कि नहीं? कहां गए मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है बच्चा लोग, कहां गए? है ना, मेरा आवाज आ रहा है? ओके
सो यू मॉलिक्यूल इज 3/2 केबीडी, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अच्छा अभी यू वन मोल, वन मोल, वन मोल के लिए हो जाएगा 3/2 केबीटी इंटू एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल लिया ना मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। सो यू वन मोल इज इक्वल्स टू 3/2 केबी इंटू एन हो जाता है आर, केबी इंटू एन क्या हो जाता है मेरा बच्चा, आर पढ़ा है हम लोगों ने, केबी इंटू एन क्या हो जाता है आर, पढ़ाया था केटीजी में ही पढ़ाया था, याद रखना केबी इंटू एन इज आर, बराबर, क्योंकि के बी क्या है आर बाय एन ए, आर बाय एन ए, ठीक है। अच्छा सो यू एन मोल, यू एन मोल विल बी 3/2 एन आर टी, 3/2 एन आर टी, ये किसके लिए बेटा, ये है मोनो के लिए, सिमिलरली फॉर डाया एटॉमिक गैसेस, डाया एटॉमिक गैसेस के लिए क्या मिलेगा, U molecule will be, बोल 5/2 KBT, अरे each molecule बोला ना, तो इसके पास कितने है? कितने degrees of freedom है, 5, तो 5/2 KBT, so U one mole will be 5/2 KBT into N, so U one mole will be 5/2 KB into N हो गया RT, and U N mole, N मोल के लिए क्या हो जाएगा मेरा बेटा, बोल 5/2 एन आर टी, किसके लिए हुआ ये, डाया एटॉमिक के लिए, किसके लिए हुआ बेटा ये डाया। अब आगे बढ़ेंगे फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस, बोलो ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए मेरा बच्चा बोल, ठीक है, यू मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 6/2 KBT, कहानी रिपीट, U1 मोल विल बी, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 6/2 RT, तो UN मोल विल बी 6/2 NRT, 6/2 को आप 3 लिख सकते हो कोई तकलीफ नहीं है, 6/2 को आप 3 लिख सकते हो कोई तकलीफ नहीं है। तो इन जनरल यू मॉलिक्यूल, यू मॉलिक्यूल विल बी एफ बाय टू केबीटी, यू मॉलिक्यूल विल बी एफ बाय टू केबीटी, यू मोल विल बी एफ बाय टू आर टी, एंड यू एन मोल विल बी एन एफ बाय टू आर टी। बेटा सारा एकदम आप समझ लो कि एक पूरा बहुत बहुत ज्यादा आपको ये करके सिंप्लीफाई करके हर एक चीज दे दी है, हर एक चीज बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके दे दी है। बच्चों क्लियर है, बच्चों इंटरनल एनर्जी का पार्ट पूरा क्लियर है सबको, तो मैं आगे बढ़ूं, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, वो ये नहीं देख रहा है उसने क्या पाथ फॉलो किया, ना 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 ना, वो ये देख रहा है भाई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, वर्क सॉरी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, साइक्लिक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि वो कौन सा है, वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो स्टेट फंक्शन है, वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, सो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन है बेटा इंटरनल एनर्जी,
एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है बेटा, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। बेटा आई होप सो आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है केमिस्ट्री में। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन सबको पता है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है स्टेट जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, एक होता है पाथ फंक्शन वर्क। वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि भाई प्रोसेस ने कौन सा पाथ फॉलो किया। ठीक है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। फिर आपने वहां पर एंथैल्पी एंट्रोपी बहुत कुछ पढ़ा था। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है वो। क्लियर है बच्चों इतना बात सबको? एकदम क्लियर है? चल क्या बात, तो बढ़ते आगे। अब आ जाते हैं गाइस हम लोग बेटा, हमने जैसे बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तीन वेरिएबल्स है, W, Q, डेल्टा U। हमने डेल्टा U के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए क्या होता है, स्टेट फंक्शन है कि नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके एक्सप्रेशन भी सारे पढ़ लिए। अब हम लोग जाते हैं हीट पे। किस पे जाते हैं? हीट। कल ही पढ़ा था बेटा हीट क्या है। हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या बेटा? हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट एक तरीका है एनर्जी, एक माध्यम है। हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, श्योर। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। कॉमन यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। हमें पता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। पता है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। हीट क्या है? इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी गाइस। हीट एक तरीका है, एक माध्यम है एनर्जी ट्रांसफर का। ऐसा यूनिट क्या है हीट का? जे। बेसिक और कॉमन यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, बराबर ना? पता है सबको आई गेस। एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। सिंबल इज कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू उसका सिंबल है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बोर्ड पे ध्यान देना। हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम, मैं सिस्टम को जो हीट दे रहा हूं वो पॉजिटिव है। हीट गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। सिस्टम हमें जो हीट दे रहा है वो नेगेटिव है। हम अगर एक सिस्टम है, एक सिस्टम को मैं अगर हीट दे रहा हूं तो वो सिस्टम, वो क्या हुआ? हीट पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, सिस्टम मुझे हीट दे रहा है, वो हीट को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। बेटा साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसके ऊपर हम इतना एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। क्लियर गाइस? केमिस्ट्री में ही पढ़ा है आपने। यस पीयूष, बच्चों क्लियर है इतना पार्ट? आगे बढ़े। अब आते हैं गाइस स्पेसिफिक हीट।
स्पेसिफिक हीट डिनोटेड बाय सी, स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट क्या, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, वो अमाउंट ऑफ हीट जो एक बॉडी को चाहिए, क्यों, ताकि वो उसका टेम्परेचर बढ़ा सके, कितने डिग्री से, 1 डिग्री से, कौन सी बॉडी जिसका मास कितना है, यूनिट, मास कितना है, यूनिट, करेक्ट, तो सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, इफ एम इज इक्वल्स टू 1 एंड डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस, ये जी है, करेक्ट, तो सी इज इक्वल्स टू क्यू, सी क्या है, क्यू, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट, करेक्ट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो एक सब्सटेंस को चाहिए, कौन सा सब्सटेंस, जिसका मास है यूनिट 1, क्यों, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ सके, कितने से बढ़ सके, 1 डिग्री सेल्सियस से, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, क्या कहते हैं मेरा बच्चा, स्पेसिफिक हीट, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, करेक्ट, हाँ कि नहीं, अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता है किसी को, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 ग्राम, 4.2 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, सी कितना है बेटा, सी फॉर वाटर, हा फॉर वाटर, ये पानी के लिए, फॉर वाटर, फॉर गैसेस, गैस के लिए, ठीक है, गैस के लिए गाइस, गैस का ना बहुत भयंकर चेंज होता है, गैस का जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत बड़े रेंज में, जीरो से लेके इंफिनिटी, जीरो से लेके इंफिनिटी, क्यों बेटा, यहां देख, फॉर गैसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, मेरे बच्चों को पता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है बेटा, जहां पर टी कॉन्स्टेंट है, टी क्या है, कॉन्स्टेंट, और अगर टी कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा टी कितना हो जाता है, जीरो, डेल्टा टी कितना हो जाता है, जीरो, अगर डेल्टा टी जीरो हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो, तो स्पेसिफिक हीट मिलेगा तेरे को इन्फिनिटी, करेक्ट ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कितना हो जाता है गैसेस का, इन्फिनिटी, कितना हो जाता है मेरा बच्चा, इन्फिनिटी, क्लियर, एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू कॉन्स्टेंट होता है, क्यू, या क्यू जीरो हो जाता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, तो क्यू जीरो हो जाता है, तो क्यू इज जीरो, करेक्ट, श्योर, सो सी हो जाता है जीरो, तो उसका स्पेसिफिक हीट क्या है, जीरो से लेके इंफिनिटी के बीच में, जीरो से लेके इंफिनिटी, ठीक है, श्योर गाइस, अभी आगे देखना है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्लियर गाइस, क्या है वो, द अमाउंट ऑफ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सेम, नथिंग चेंजेस, CV इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा टी, सेम है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है यहां पे, करेक्ट, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ही है, देन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए क्या बनता है मेरा बेटा, CP इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा टी, CP इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, CP इज इक्वल्स टू एम, CP इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, बेटा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ना न्यूमेरिकल्स में आता है, न्यूमेरिकल्स में, ये सारे फॉर्मूले भूलना नहीं बेटा, इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं हम,
ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो, कोई भी जगह पे अटकने नहीं चाहिए मेरे बच्चे कि सर ये नहीं थे, सर ये नहीं, सर ये कैसे कहां से आया, ये कहां से आया, सब पता होना चाहिए। क्लियर गाइस? अब आते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है बेटा? मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है? क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस। अमाउंट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस। क्लियर मेरा बेटा? C is equals to Q upon N delta T. Very important. ठीक है, तो याद रखना बेटा, कैपिटल C क्या होता है? कैपिटल C is M into छोटा C. कैपिटल C क्या होता है बेटा? M into छोटा C. कहां से आया सर ये, कहां से आया? नहीं समझा, नहीं समझा। अरे बहुत ईजी है, मैं बताता हूं। यहां देख, ठीक है, तेरा C क्या मिला बेटा तेरे को? Q upon N delta T. छोटा सी क्या मिला? Q अपॉन एम डेल्टा टी, बराबर दोनों को डिवाइड कर, ठीक है, Q Q कैंसल, डेल्टा टी कैंसल, तो C अपॉन C कितना मिलेगा बेटा? M बाय N। अग्री करेंगे? अग्री करेंगे। अब N क्या है? N, व्हाट इज N? मास अपॉन मोलार मास, एम एम कैंसल, ये ऊपर गया, तो C विल बी इक्वल टू ये M ऊपर, छोटा C भी ऊपर। चेक कर आया क्या? चेक कर आया क्या बेटा? कोई भी छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़ेंगे हम, सब कुछ पढ़ेंगे, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यही मिलेगा। बोला था ना प्रशांत सर ने, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यही मिलेगा। श्योर गाइस? बच्चों क्लियर है इतना पार्ट सबको? सर सिन कौन सा सिन? कौन सा सिन? क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हो? क्लियर इतना सबको? मोलार स्पेसिफिक हीट इज मोलार मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब क्या पढ़ना है बेटा? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या है वो बेटा? सी वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। सी वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत अच्छे से याद रखना। क्लियर गाइस? आगे बढ़े। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है मेरा बच्चा, बोल जल्दी से। सी पी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, बराबर, और यही पे सी वी विल बी एम इन टू सी वी छोटा, और सी पी विल बी इक्वल टू एम इन टू छोटा सी पी। करेक्ट? एकदम पक्का बच्चों? एकदम क्लियर है? एक एक फॉर्मूला क्लियर है बच्चों को?
श्योर गाइस, हाँ कि नहीं? अब बेटा इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, बहुत सारे। जैसे बोर्ड पे ध्यान दो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। ये है मेरा बेटा मेयर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? केटीजी में था, मैंने बताया था, मैं ये थर्मोडायनामिक्स में प्रूफ करूंगा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद। ठीक है, आज क्या है? आज वेडनेसडे है। ठीक है, इंशाल्लाह ये सैटरडे के दिन इसको प्रूफ करेंगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर कहां से आया। क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग ये खत्म करेंगे हीट, और सैटरडे हम लोग वर्क शुरू करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और यस इसको प्रूफ कर देंगे हम लोग। ठीक है बेटा, ठीक है, प्रूफ करेंगे गाइस इसको, डोंट वरी। फिलहाल ध्यान दो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये एक रिलेशन है। एक और है, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गैमा, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गैमा। बहुत सारे फॉर्मूले है गाइस, अगर आपको याद हो तो ये 11th में पढ़ा था आपने, 11th में सबसे पहली बार पढ़ा था आपने। ये कहां पढ़ा है? लैपलेस करेक्शन साउंड चैप्टर में पढ़ा था। न्यूटन बाबा ने बोला था फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन लैपलेस ने क्या बोला? बाबा वो स्लो प्रोसेस नहीं है, वो रैपिड प्रोसेस है, वो रैपिड प्रोसेस है। क्लियर? और फिर उसने मेंशन किया था ये फॉर्मूले में, याद आया कि नहीं? ठीक है जयदीप, ओके देख लिया, ओके 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 ओके। अच्छा अब गाइस, लेकिन सीवी क्या है? सीवी इज एफ बाई टू आर। सर ये कहां से आया? ये ना मैं सैटरडे के दिन बताऊंगा आपको कहां से आया। सीवी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर कहां से आता है, ये सैटरडे के दिन देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप याद रख लो, यहां पे तारा बना के रखता हूं, फिलहाल के लिए आप याद रख लो व्हाट इज सीवी? एफ बाई टू आर। व्हाट इज सीवी? एफ बाई टू आर, एकदम पक्का? फिलहाल के लिए याद रख ले, सीवी इज एफ बाई टू आर। सैटरडे के दिन मां कसम बताऊंगा कहां से आया ये, टेंशन मत ले। ठीक है, क्योंकि वहां पर जब हम लोग मेयर्स रिलेशन प्रूफ करेंगे ना, तो उसमें पता चलता है कि भाई सीवी कैसे एफ बाई टू आर बना। ठीक है, अभी अगर बताने जाऊंगा ना बेटा तो खोपड़ी में बैठेगा नहीं, क्योंकि अब तक हमारा फर्स्ट लॉ नहीं हुआ है, मेयर्स रिलेशन अब तक हमने प्रूफ नहीं किया है, तो करेंगे, टेंशन मत ले, सब चीज बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा बेटा, कसम खुदा की बोल रहा हूं, टेंशन मत ले। ठीक है, तो सीवी क्या मिला अपने को? एफ बाई टू आर। अब यहां पे आ जाओ। ठीक है, सीपी इज इक्वल्स टू, उधर भेज, आर प्लस सीवी बोल सकता हूं मैं, यहां पे माइनस सीवी को उधर ले लिया, पुट कर यहां पर, सीपी इज इक्वल्स टू आर प्लस सीवी की जगह पे एफ बाई टू आर। तो सीपी क्या मिला मेरे बेटे को? आर कॉमन वन प्लस एफ बाय टू, वन प्लस एफ बाय टू, सीपी भी मिला मेरे बच्चों को, सीपी भी मिल गया मेरे बच्चों को, करेक्ट? क्या मिला सीपी? सीपी इज इक्वल टू आर प्लस एफ बाई टू, करेक्ट? श्योर। अच्छा एक और एक चीज ले ले। ठीक है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसको मर्ज नहीं करना, ये अलग कंसेप्ट है। अरे ये क्या हो गया, ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है, चलो एक और एक चीज दे ले यहां पे, यहां पर गाइस, यहां से सीपी क्या मिला मेरे बच्चों को? आर अपॉन वन प्लस एफ बाई टू, बराबर, अपॉन सीवी क्या मिला? एफ बाई टू आर। तो आर आर कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस एफ बाई टू अपॉन एफ बाई टू इज इक्वल टू गैमा। अग्री करोगे? ठीक है, अब जब मैं दोनों को सेपरेट करूंगा, इसके नीचे और इसके नीचे, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों? गैमा इज इक्वल टू वन अपॉन एफ बाई टू प्लस एफ बाई टू अपॉन एफ बाई टू। अग्री करेंगे? ये कैंसिल हो गया और ये उल्टा हो जाएगा, तो गैमा क्या मिला? गैमा टू अपॉन एफ प्लस वन। गैमा क्या मिला बेटा? टू अपॉन एफ प्लस वन, या फिर वन प्लस टू बाय एफ। गैमा क्या मिला? वन प्लस टू बाय एफ, वन प्लस टू बाय एफ, एकदम पक्का बेटा। एक एक चीज देखी हमने,
माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। एक एक चीज देखिए बेटा हम लोगों ने, शौर, पूर्वा, सुजीत, चलो लास्ट पार्ट पे जाए आज के लेक्चर के। आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट पे जाएंगे। सुजल बेटा एक बार बैक करके देख लेना बच्चा, सुजल कुछ ना समझ पड़े तो एक बार बैक करके देख लेना। चलो अब एक टेबल बना देगा इस टेबल, ठीक है। यहां देखो सीपी, सीवी और गैमा, सीपी, सीवी और गैमा। सीपी क्या है? सीपी वन प्लस एफ बाई टू आर बराबर, यह है एफ बाई टू आर और यह है टू अपॉन एफ प्लस वन, करेक्ट ना? श्योर। एक टेबल बनाते हम लोग, यहां पर गैसेस है मोनो, डाया, ट्राया, ठीक है। मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाया के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ट्राई के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। चल पुट करते जा, 3 पुट करेंगे तो 2 + 2 + 3 5 बाय 2 आर हो गया बराबर, ये हो गया 3 बाय 2 आर, करेक्ट। और यहां पर 3 पुट कर दो, 3 + 2 = 5/3 बराबर ना, 5/3 एंड 5/3 इज नथिंग बट डिवाइड करने आता है 5/3, 5 और 3, 3 × 1 = 3, 2 बचा 0.0, 6 × 18 बराबर, श्योर। तो 1.66666 गोज ऑन, 1.666666, ठीक है। डाया के लिए, डाया के लिए 5 पुट कर, 5 2 × 2 + 5 7/2 आर, ये हो जाएगा 5/2 आर, करेक्ट। और यही हो जाएगा 5 + 1 7/5, 7/5 मतलब 1.4, चेक कर ले 1.4 ही आएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट 6, तो ये हो जाएगा 4 आर, 6/2 तो 3 + 1 4 आर, ये हो जाएगा 3 आर और ये हो जाएगा 4/3 बराबर ना, डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 = 2 8/3 ना, 8/3 मतलब 4/3, 8/6 मतलब 4/3, 4/3 मतलब 1.333333 गोज ऑन, डिवाइड करके चेक कर ले, डिवाइड करके चेक कर ले, क्लियर। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। गैमा फॉर मोनो एटॉमिक इज ग्रेटर देन गैमा फॉर डाया एटॉमिक इज ग्रेटर देन गैमा फॉर ट्राया एटॉमिक, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्लियर मेरा बेटा लोग? पीयूष क्या नहीं समझा बेटा? कुछ नहीं किया, खाली एफ की वैल्यूज हर जगह डाल के सॉल्व किया है, हर जगह एफ की वैल्यूज डाल के सॉल्व किया है, हर जगह एफ की वैल्यूज डाल के सॉल्व किया है, कुछ भी नया नहीं किया है। सबको क्लियर है गाइस इतना पार्ट? विशाल साइन SINE साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, SINE साइन, साइन थीटा कॉस थीटा वाला साइन है वो,
ऐसा या नहीं? यस सभा, ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। जयदीप, मैंने देख लिया आपका कमेंट बेटा। यस संकेत, चलो बच्चा लोग जरा सा पहले यहां ध्यान दो मेरे इधर पे, जरा एक बार अच्छे से रिकैप ले लेते, पहले रिकैप ले लेते हम लोग। आ जाओ जरा, आज शुरू किया गाइस हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है गाइस? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर हमने मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल लिया, मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में घूमेगा, वाई एक्सिस में घूमेगा, जेड एक्सिस में घूमेगा, करेक्ट। तो उसके पास तीन एनर्जी है एक्स वाई एंड जेड की। अच्छा, वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी होगा, जब वो रोटेट होता है तो रोटेशनल के ही लेना पड़ेगा। अच्छा, रोटेशनल के ही का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब वो घूम रहा है, आर क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पार्टिकल तक का डिस्टेंस। अब वो बहुत ज्यादा छोटा है, जब वो मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है तो ये आर बहुत ज्यादा छोटा है, तो आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो ये टर्म निगलेक्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म कितने बचे? एक दो तीन। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए कितना आया? पांच। वैसे ही जब मैं डाया पे आया तो डाया पे वो एक्स वाई जेड वाला लीनियर मोशन तो है ही, ठीक है। अच्छा, डाया वाले में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये पहले तो ऐसे रोटेट करेगा वाई एक्सिस पे, ऐसे भी रोटेट कर सकता है जेड एक्सिस पे, एक्स पे करेगा रोटेट, लेकिन एक्स पे वंस अगेन आर बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो वो टर्म फिर से निगलेक्ट हो गया। तो यहां पर एक दो तीन लीनियर और दो रोटेशनल, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना बना? पांच। किसका? डाया एटॉमिक का। अब आते हैं ट्राई एटॉमिक पे। ट्राई एटॉमिक के लिए बेटा चेक कर ले जरा, वंस अगेन एक्स वाई जेड पे तो घूमेगा श्योर, फिर तीनों रोटेशन मिल रहे हैं उसको, एक्स में भी रोटेट हो रहा है, एक्स में भी रोटेट हो रहा है, वाई में भी रोटेट हो रहा है, और जेड में भी रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो तीनों मिल गए, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? छह। किसका? ट्राई एटॉमिक का। अब सारे को मोनो डाई ट्राई सब प्लस टू कर देने का हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बोलता है? द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ केबीटी, जहां पर केबी क्या है? बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर हमने मोनो एटॉमिक गैस के ले लिया, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? तीन, तो 3/2 KBT। फिर मोल के लिए निकाला, एन से मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, केबी इंटू एन क्या मिल गया? आर। फिर एन मोल के लिए 3/2 NRT, वैसे ही डाई के लिए किया और ट्राई के लिए किया। फिर इन जनरल हमें यू मॉलिक्यूल कितना मिला? F/2 KBT। यू मोल कितना मिला? F/2 RT। और यू एन मोल कितना मिला? N F/2 RT। क्लियर गाइस? उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए इंटरनल एनर्जी एक साइक्लिक प्रोसेस का हमेशा कितना मिलेगा आपको? जीरो। जब हम लोग सम्स करेंगे तब आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हीट क्या है गाइस? हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल, बेसिक और कॉमन यूनिट इज कैलोरी। 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। सिंबल कितना है हीट का? क्या है? क्यू। हीट गिवन टू द सिस्टम, हम जो सिस्टम को हीट देते वो क्या होती है? पॉजिटिव। सिस्टम हमें जो हीट देता है, हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर? एकदम पक्का? फिर हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा। स्पेसिफिक हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। वॉटर का स्पेसिफिक ये होता है, गैसेस का स्पेसिफिक हीट 0 से ∞ के बीच में लाई करता है। कैसे किया? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ΔT 0 हो जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q 0 हो जाता है, तो उसका 0 से ∞ में लाई करता है। फिर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्लियर? उसके बाद हमने देखा मोलार स्पेसिफिक हीट में द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। फिर C=mc। सर ये कहां से आया? मैंने यहां पर प्रूफ करके दिखाया। मोलार स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखा, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखा, दोनों को डिवाइड किया और मुझे ये मिला कि मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू मोलार मास इनटू स्पेसिफिक हीट। क्लियर? फिर मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दोनों के फॉर्मूले लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डब्बे में डाल के रखे,
ठीक है। फिर हमने मेयर्स रिलेशन देखा, जो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रूव करने वाले, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, गामा, ये भी एक रिलेशन है। सीवी क्या, एफ बाई टू आर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। फिर हमने अलग अलग रिलेशन बनाए, ये दो फॉर्मूला यूज करके अलग अलग रिलेशन बनाए हमने जो हमें सब काम आते हैं। ठीक है गाइस, एकदम पक्का, हो जाएंगे, डोंट वरी। चलो बच्चों जरा एक बार बता दो लेक्चर कैसा लगा आपको, अच्छे से जल्दी से रुका हुआ आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए मैं। क्या बात है गौरव, सुपर्ब। बच्चों चैतु, बच्चों लेक्चर कैसा लगा, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आएगा लेक्चर। यस साहिल, लेंगे सेशन, लेंगे न्यूमेरिकल के, डोंट वरी। खूब छान, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलो अच्छा, अब मेरी बात सुनो अच्छे से गाइस। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सैटरडे के दिन, सैटरडे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। आज हमने हीट पूरा कंप्लीट किया, हीट पूरा कंप्लीट किया। सैटरडे के लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे। पहले वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तीनों हमने पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में इंटरनल एनर्जी पढ़ा, आज हमने हीट पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हम लोग मेयर्स रिलेशन भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंडे गाइस हम लोग जाएंगे प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के जो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे तक हम लोग ये चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे तक हम लोग ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, श्योर। और उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑसिलेशन पे। ऑसिलेशन तो बहुत फटाफट जाएगा बेटा, चैप्टर बड़ा है लेकिन फटाफट जाएगा भाई, बिकॉज क्योंकि ऑसिलेशन के पूरे डिटेल लेक्चर ऑलरेडी हमने डाले हैं विक्ट्री बैच में, डाले हैं हमने। ठीक है, तो भी ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे सर डायरेक्ट आगे से शुरू करो, नहीं बेटा, कुछ बच्चे कंसेप्ट बैच में पीछे से ज्वाइन हुए तो उनके लिए वो पार्ट कराना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना पार्ट सबको, श्योर। तो चलो, विल स्टॉप यू फॉर द डे, विल कंटिन्यू ऑन सैटरडे, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय, लव यू ऑल गाइस। चलो बेटा।